जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटवर्क। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का भी दिन जो है वो अच्छा गुजरा होगा। चलते हैं जी और देखते हैं कि आज मार्केट में जो मंदी है उसकी सिमत कितनी तेज है। सॉरी, सिमत तो खैर तेज नहीं होती, उसमें तेजी किस तरफ कितनी ज्यादा है और क्या उसमें कुछ रुकने के चांसेस हैं या नहीं। चलते हैं जी, आज जो है वो मार्केट ने 300 पॉइंट्स जो है वो मजीद निकाले और मार्केट जो है वो चलेगी 45,296 पर। अब मेरा ख्याल है कि मार्केट ने जो जो हमने अब जाके जाएंगे ना आगे इंशाल्लाह कैंडल पर तो डिस्कस करेंगे कि जो मार्केट की ट्रेंड लाइन थी, मार्केट उस ट्रेंड को ब्रेक कर चुकी है और ब्रेक करने के बाद मार्केट का जो डाउनफॉल है वो नीचे की तरफ है और नीचे जो था इसकी सपोर्ट वो 45,000 समथिंग की थी, उसको देखेंगे कि वहां पर मार्केट क्या कर रही है। आज के दिन के हवाले से अगर हमसे पूछा जाए कि हमने क्या किया, तो बाहरी हाल कल जो था वो काफी रात देर तक जो है वो मैं क्लाइंट्स के साथ जो था वो नई कैलकुलेशंस में मसरूफ रहा और काफी कोशिश की दोस्तों के साथ जो है कि उनको कुछ चीजों के बारे में मजीद जो है वो एक्सप्लेन किया जाए, कुछ नए लेवल्स बताए जाएं, कुछ बाइंग के हवाले से गाइड किया जाए। तो बहरहाल हमने आज कुछ बाइंग जो है वो रिकमेंड की। तो वक्त जो है, देखिए इस वक्त जो है वो आपने शेयर्स को देखना है कि कौन से शेयर्स ऐसे हैं कि जिनको खरीदा जाए और उनमें से प्रॉफिट लिया जाए इन फ्यूचर। मेरे पास तकरीबन जितने भी दोस्त अहबाब काम करने के लिए आते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, मैं उनको वो अक्सर मुझसे पूछते हैं जी महीने का हमें कितने परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं उनसे हमेशा एक बात कहता हूं कि सर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो एनुअल बेसिस पर करें, मंथली वाला ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। और दूसरी चीज आपको याद होगी कि मैं एक बात और कहा करता हूँ जो कि काफी अरसा से मैंने दोहराई नहीं, वो ये है कि कभी भी स्टॉक मार्केट को अपनी किसी भी कमिटमेंट के साथ नथी मत कीजिएगा। ये मैं अपने क्लाइंट्स को भी हमेशा कहता हूं। और पैसा आपने वही कंसीडर करना है जो आपके पास ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, दूसरा पैसा जो आपके दूसरे बैंक अकाउंट में है उसको आपने कंसीडर नहीं करना। इसी तरह से अगर आप कोई और डिसीजन करना चाह रहे हैं और उसके लिए आपको पैसे की जरूरत है और आप ये कंसीडर करके बैठे हुए हैं कि जी मेरे पास स्टॉक मार्केट में शेयर है, हम उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, नहीं, कभी नहीं करना। हमेशा याद रखिएगा कि ये चीज अपने इस रूटीन का हिस्सा बना लें कि आपने, मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही बताता हूं और आपके साथ भी, चूंकि गपशप होती रहती है तो मैं ये चीज दोहराता रहता हूं कि कभी भी एक तो किचन के साथ नथी ना करें और दूसरी चीज ये है कि इसको हमेशा एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट करें। और नंबर तीन कि अगर आपने कोई चीज खरीदनी है, किसी और जगह पर इन्वेस्ट करना है, तो जब तक शेयर बेच के आप पैसे अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर ना कर लें, तब तक आप शेयर्स वाले पैसों को कंसिडर ना कीजिएगा। ये चंद चीजें हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से जो हमने सीखी अपने असातिज़ा इकराम से के, और उनका बहरहाल हमें बहुत फायदा हुआ, वो हम आगे आपको बता देते हैं। बाकी आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं, अपना फैसला खुद फरमाइए। आगे चलते हैं जी, 300 पॉइंट्स आज मार्केट ने निकाले और मार्केट ने लो लगाया 45,000 का। चलें 46 से 45 तक का भी लो मुकम्मल हुआ। आगे चलें जी, और ऑल शेयर की बात करें तो 200 पॉइंट्स मजीद निकले, इसका मतलब यह है कि पूरी मार्केट को मार पड़ी है। केएमआई 30 की बात करें तो आज मजीद 500 पॉइंट्स इसमें से निकले, तकरीबन आपके केएसई 100 का 1.3 बनता है, ये डेढ़ गुना बनता है। तो डेढ़ दो की जो सूरत हाल है ये नॉर्मलाइज नॉर्मल चलती रहती है। आगे चलें और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है, यहां से काफी अंदाजा होगा। अपर कैप में तीन कंपनियां हैं और लोअर कैप की बात करें तो आए हाय 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 हाय, आज तो कमाल नहीं हो गया। आज तो बीजीएल आ गया नीचे, चलें अच्छी बात है। मुझे बहुत सारे दोस्तों बाप मेरे से नाराज थे कि जी आप जो है वो जी ग्लास के ऊपर बात नहीं करते। हाँ यार, मुझे एक और बात याद आई, कल काफी दोस्तों बाप जो थे वो चूके आ रहे थे तो
कुछ एक दो हजरात से ऐसा भी हुआ कि उन्होंने फरमाया कि जी हमारे पास कुछ शो वो शेयर्स हैं जो आप पसंद नहीं करते। यार देखिए, जाती तौर पर मेरी किसी शेयर से कोई दुश्मनी थोड़ी है यार। ये जाती पसंद या नापसंद नहीं होती, कुछ चीजों का लेवल इतना कंसिडरेबल नहीं होता, तो मैं ये उसके ऊपर मैं इसलिए कहता हूं कि इसको रहने दें, क्योंकि वो चीजें थोड़ी सी ऊपर की गई होती हैं या फिर उनके बारे में मेरी स्टडीज नहीं होती। ठीक है ना, 400 कंपनीज है ना यार, सबकी स्टडीज नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है, कम से कम मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं 400 के 400 कंपनीज का जो है ना वो ग्राफ वगैरह सारा कुछ देखता रहूं। बहुत मुश्किल है सर। चंद चंद शेयर्स होते हैं जिनके बारे में राय कायम की जा सकती है, सेक्टर्स होते हैं, तो इसलिए शेयर्स की से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, पसंद नापसंद भी नहीं है। सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि अगर मेरी कोई स्टडीज हो तो मैं बात करता हूँ, नहीं तो मैं कहता हूँ जी रहने दें। अच्छा जी, ट्रिपल जीएल भी आ गया नीचे। आय हाय 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 हाय, आगे देखते हैं। लोड्स भी 17 पे आया चाहता है। ओके, ओए हो, आ गया। अभी मैरियट 15 पर है। ये 15 नहीं तोड़ा था, आ गया 15 पर है। अब ले लें जिसने लेना है। सर्फ को लगा लॉक, ट्रीट को लगा लॉक, वेव्स को लगा लॉक। अब देखिए, वेव्स इस वक्त जो है ये 18 रुपए और 13 पैसे पर क्लोजिंग है। मुफ्त है सर जी, कुछ नहीं होता। सारे मामलात जो हैं, देखिए मैं अक्सर आप लोगों से एक बात कहा करता था कि, और अभी भी कह रहा हूं, सदा मार्केट ऊपर नहीं रहनी और सदा मार्केट नीचे नहीं रहनी। जब ऊपर जाए हौसला होना चाहिए बेचने का, और जब नीचे जाए हौसला होना चाहिए खरीदने का। और आजकल जो वक्त है वो खरीदने का है, लेकिन सारे शेयर्स नहीं, चुन चुन के खरीदने। और वो आपको इंशाल्लाह यूं समझ लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो जून से जून चलता है ना, तो अभी तो फाइनेंशियल ईयर का तीसरा महीना है, ठीक है ना, पीछे 9 महीने बाकी हैं। फाइनेंशियल ईयर पे देखिएगा कितने परसेंट प्रॉफिट देता है आपको। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी, और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। ग्राफिकल व्यू आज भी टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो सबसे ऊपर रहा, लगता है इसको फिर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। बहरहाल ये देखेंगे तो पता चलेगा। और सबसे लास्ट पे जो है वो केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स, और दरमियान में कमर्शियल बैंक्स तीसरे नंबर पर हैं। ठीक है जी, टॉप 10 सिंबल्स को देखते हैं और फिर कुछ राय कायम देख करते हैं आहिस्ता आहिस्ता के क्या हुआ। 20 मिलियंस का वॉल्यूम जो है टीपीएल, बीओपी, के इलेक्ट्रिक, यूनिटी, बाइको, शाइको सबको लगा है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड कॉल में 80 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। ठीक है यार, 40 मिलियन किसी ने बेचे और 40 मिलियन किसी ने खरीदे, 3 रुपए का शेयर है। ब्रोकर की ब्रोकरेज तो टका के बन रही होगी ना। सिंबल पोजीशन को देखें तो इसकी क्या पोजीशन है, आज एडवांस के अंदर 26% है और डिक्लाइन के अंदर 65% है। और कल मेरा ख्याल है येस्टरडे जब हमने इसको डिस्कस किया था तो शायद 80% डिक्लाइन था, जहां तक मेरा ख्याल है। वो कुछ 13% के करीब जो था वो एडवांस में थी कंपनियां, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चीजों में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि समरी क्या कहती है। 244 नीचे है, 112 ऊपर है। ऑटोमोबाइल असेंबलर में देखें तो अलगाजी ट्रैक्टर में मजीद 3 रुपए की कमी है। गंदारे दोनों के अंदर मजीद मार पड़ी और बड़ा गंदारा ने 200 रुपए का लेवल तोड़ दिया। देखें, जब तक गंदारों के अंदर, ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, जब तक इनके अंदर डिक्लाइन खत्म नहीं होता तब तक ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिवाइवल के चांसेस नहीं है। ये हमारी एक राय है। साजगर इंजीनियरिंग को भी आज लोअर लॉक लग गया, इसको लोअर लॉक ही समझे आप, 130 के ऊपर जो क्लोजिंग है इसको लोअर लॉक ही कंसिडर किया जाए। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो बैटरीज में से आज कुछ नहीं निकला, नाइट एक्साइड में से कुछ निकला है और ना ही निकला है एटलस बैटरीज में से। पैंथर 67 पैसे के साथ करंट प्राइसेस की 53 है। ये एक्स डिविडेंड भी हुआ है और एक्स बोनस भी हुआ है, उसका भी इम्पैक्ट अपनी जगह पर पड़ा है।
और मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि इस किस्म के शेयर्स के अंदर हाथ वो लोग डालें जिनके पास मजीद पैसे पड़े हों बाय करने के लिए। केबल इलेक्ट्रिकल गुड्स की बात करें तो वेव्स जो है सर ये 17-18 रुपए पर मुफ्त का शेयर है, और पेल जो है ये 27 रुपए पर, 25 रुपए पर, ये भी फ्री समझें। आगे चलते हैं, अब ये देखें सीधे सीधे से मैंने आपको बता दी है। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो अटक सीमेंट के अंदर बहरहाल इम्प्रूवमेंट, 140 का हाई, बहुत अच्छी बात है। बेस्ट वे सीमेंट है और डीजी खान है, डीजी खान में मजीद डिक्लाइन चल रहा है। इसको ये देखें सीमेंट सेक्टर के ऊपर जो अताब आई हुई है ना, बेसिकली ये पहले जो था ना इनकी कुछ मोनोपोली थी, और मोनोपोली आप इस तरह से समझ लीजिए कि कर करा के ना इन्होंने नई फैक्ट्रीज के ऊपर जो है ना वो बैन था कि आप नहीं लगा सकते, को पानी शानी के इशू थे, कुछ एनवायरमेंट के थे, कुछ कई हीले बहाने थे। बहरहाल अब जो है वो जाहरी सी बात है कि जब नवाजना हो बहुत सारे लोगों को तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा जो है ये लाइसेंस जो है ना, ये हर दौर के अंदर किसी ना किसी चीज के लाइसेंस दिए जाते हैं काम करने के लिए। तो बहरहाल अब जो है वो बैन चूंकि खत्म हो गया है, और सुनने में ये आ रहा है कि को 8 से 10 प्लांट्स जो है वो मजीद लगने लगे हैं। तो जब 8 से 10 प्लांट्स और लगेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी कमी होगी और बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। बहरहाल फौजी सीमेंट और इस किस्म के जो दूसरे इदारे हैं जो छोड़ें जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी, और देखते हैं कि केमिकल सेक्टर, केमिकल सेक्टर में भी यार अच्छी खासी मार पड़ी है, और बीफो जो है उसमें से उसको भी आप लोअर लॉक ही कंसीडर करें। बहुत नीचे चला गया है, 130 पर भी ये अच्छा शेयर था और अब तो खैर बहुत ही अच्छा हो गया, तो मेरा ख्याल ये है कि गौर फरमाना चाहिए। आगे चलें जी, और EPCL जो है इसमें 1 रुपए और 67 पैसे का इजाफा, बहुत अच्छा इजाफा है। जो शेयर अब रिकवर करेंगे, जल्दी रिकवर करेंगे, उनमें से एक नाम इस शेयर का भी है। आगे चलें जी, म्यूचुअल फंड को छोड़ दें, कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो आज बैंक्स को फिर मार पड़ी है, और हबीब बैंक जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 पैसे का इजाफा है। देखिए बैंकिंग सेक्टर में हालात बहरहाल इसमें पावर जनरेशन में कुछ इतने खास हमें खराब नहीं नजर आए, मार्केट में से इतने पॉइंट्स निकल गए। अब आपके पास अगर ये शेयर मौजूद हैं तो सर अब हौसला करके बैठिएगा, कुछ नहीं होता, बाइंग फरमाएं और एवरेज करें, एवरेज का टाइम है, लेकिन उन शेयर्स को एवरेज कीजिएगा कि जिनमें आपको कुछ चांसेस नजर आते हों बहुत जल्द रिवाइवल के। मार्केट जो है वो नीचे जा रही है, डॉलर के साथ काफी सारे मामला चल रहे हैं, कुछ पैसा इधर से निकल के उधर जा रहा है, फिर जब वहां से निकलेगा तो फिर जाहिर सी बात है कहाँ जाएगा। तो ये चीजें घूमती हैं, हर चीज का एक सर्कल होता है, और दूसरी चीज ये है कि कुछ पैसा निकल के प्रॉपर्टी में भी गया है, ये प्रॉपर्टी हो गया, डॉलर फॉरेक्स हो गया, डॉलर्स के मामला हो गए, स्टॉक मार्केट हो गई, ये तीनों चारों चीजों की ना ये आपस में ये घूमता रहता है पैसा। आपने सिर्फ ये देखना होता है कि किस वक्त आपने किस में से पैसा निकाल के दूसरी तरफ लगाना है। बहरहाल जिन लोगों के पास बहुत पैसा है वो तो इधर से निकाल के उधर लगा सकते हैं, हमारे पास चूंकि एक लिमिटेड अमाउंट होती है, हमने क्या करना है, हमने सिर्फ ये करना है कि टाइम पर चीज को खरीदना है और उसके बाद सुकून से बैठना है ठंडे होके। बाकी ये है कि डे ट्रेडिंग से जरा परहेज करें, आजकल आज के दिन, आजकल के जो दिन है ना वो डे ट्रेडिंग के नहीं है। आगे चलें जी, इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो इंजीनियरिंग सेक्टर में भी थोड़ा डिक्लाइन ही है, लेकिन इतना खास नहीं है। फर्टिलाइजर सेक्टर में भी कोई खास डिक्लाइन नहीं है, एंग्रो कॉरपोरेशन में 2 रुपए 34 पैसे की कमी, और फौजी फर्टिलाइजर जो है बिन कासम उसमें 52 पैसे की कमी है, लेकिन इसने हाई अच्छा लगाया 24 रुपए का, और उसके बाद इसमें डिक्लाइन देखने में आया। यार सारे ही शेयर्स जो हैं वो काफी हद तक अच्छे प्राइसेस पर आ चुके हैं, इंश्योरेंस सेक्टर को तो ग्रीनो ग्रीन हुआ हुआ है। कल जो था वो मैंने काफी अच्छी खासी स्ट्रेटेजी जो है वो आपके साथ डिस्कस कर दी थी, मेरा ख्याल है आप उसको फॉलो करें,
बाकी ठीक है, बाकी वो खबरें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि बस मैं देखता जाऊं और पढ़ता जाऊं। मिसलेनियस में शिफा 200 रुपए पे आया कि नहीं आया? 200 लगा दिया। वेरी गुड, अब जिसने खरीदा होगा वो इंजॉय करे। आगे चलते हैं जी, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो ओजीडीसीएल जो है वो भी अपने लोज को टच कर चुका है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में देखें तो जुमा सवाई शेल के कोई भी कंपनी ग्रीन सेक्टर में नहीं है। एसएसजीसी 11 रुपए की तरफ रवा दवा है। आगे चलते हैं, पेपर और बोर्ड मैरियट को लगा आज लोअर लॉक। फार्मा के हालात थोड़े बेहतर लग रहे हैं कल की निस्बत। कुछ चीजें जो हैं वो थोड़ी सी बेहतर हुई हैं पहले की निस्बत। पावर जनरेशन में मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि इसमें कुछ नहीं हुआ। निषाद पावर अपनी प्राइस पर खड़ा है, लाल पीर तकरीबन अपनी प्राइस पर खड़ा है, कैपको 35-36 रुपए के 37 रुपए के गिर्द घूम रहा है, वहीं का वहीं है। हबको जो है इसको सिर्फ देखना। हाँ, हबको में मेरा ख्याल है कुछ शायद 2 रुपए के 2 रुपए 2.5 रुपए की कमी वाकया हुई है। सैफ पावर जो है वो ही 15, बल्कि आज तो 16 रुपए का हाई लगा दिया इसने। तो ये चीजें हैं। ये सैफ पावर तो भी पिछले दिनों मेरा ख्याल शायद मैंने किसी को रिकमेंड भी किया था। तो जिनको मैंने रिकमेंड किया था, मेरा ख्याल है कि चलें छोड़ें उनको, फिर मैं वैसे डायरेक्टली बता दूंगा। रिफाइनरी की बात करें तो रिफाइनरीज को मार पड़ रही है। पहले इसके बारे में न्यूज आई कि जी ये ऊपर जा रहा है, फिर न्यूज आई नहीं जी नीचे जा रहा है, और अब तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया इसका। तो जिनके पास रिफाइनरीज हैं, हमारे हम बहरहाल बाइकों में इंटरेस्टेड हैं जी, सीधी सी बात है। छोटा शेर है, इसको हम काबू कर लेंगे किसी ना किसी तरीके से। टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो एवेंसियन आज ग्रीन में है, और बाकी नेटसोल में भी ब्लड बाथ 10 रुपए निकले हैं। इसको भी बहरहाल कंसीडर किया जाए कि ये इसका लोअर लॉक ही है। जरूरी नहीं होता कि अगर किसी को लोअर लॉक लगे तो आपने लोअर लॉक कंसीडर करना है। उसके अंदर लगता हुआ वॉल्यूम, उसकी डायरेक्शन, उसकी मदद से भी आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोअर लॉक ही है। पीआईए ने 4 रुपए 10 पैसे लगा दिया है, बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं, देखिए अब पीआईए के बारे में क्या हो रहा है। पीआईए के बारे में पहले न्यूज ये फैलाई गई है कि जी इसको जी हम चलने नहीं देंगे। वो सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है उसने कहा जी कि वो जी इनके जहाजों को तेल नहीं मिलेगा, और ये नहीं मिलेगा, और वो नहीं मिलेगा। वो सर जी सब कुछ ही मिलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। ये सिर्फ वक्ती तौर पर कुछ चीजें होती हैं। अभी 1 या 2 दिन में क्या होगा जी, किसी ना किसी ने इंटरवीन किया, वो गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए, उन्होंने मान लिया, कुछ जो है वो जमानतें वगैरह हो गई, तो जी वो अब दोबारा से फिर मामला नॉर्मलाइज हो गए। ये चीजें ऐसे ही चलती हैं। आपने सिर्फ देखना ही होता है कि पैनिक में से आप जो है वो किस तरह से कमाते हैं। आगे चलें जी, और बात करते हैं, कुछ नहीं खत्म हो गया सिलसिला। आगे चलें जी और देखते हैं कैंडल क्या कहती है। देखिए ये एक ट्रेंड लाइन थी और जो हमने बनाई थी, और कल तक हमारा ये ख्याल था कि मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि अगर मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है तो नीचे इसके पास पहली सपोर्ट जो है वो 45,243 की होगी, और मार्केट ने आज उसके नीचे जाके ऊपर क्लोजिंग दी। देखिए मार्केट जो है अगर 45,000 को तोड़ती है तो फिर मेरा ख्याल है कि मार्केट में से 1,000 पॉइंट्स और निकलने चाहिए, ताकि मार्केट जो है वो थोड़ा सा मजीद जो है वो अपने आप को हल्का कर ले। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जिस वक्त मार्केट के अंदर इस तरह की फॉलिंग हो रही हो और चीजें जो हैं वो गिरती ही चली जा रही हो, लेकिन चीजों के गिरने में मेरे मुझे अगर यहां पर कोई हिस्ट्री में कोई चीज नजर आए तो मैं शायद कुछ दिखाना चाहूंगा आपको। अगर मुझे कुछ मिला तो मैं जरूर आपको दिखाता हूं। एक मिनट जी, मैं ये कोशिश करता हूं अगर ये बड़ी हो जाए तो।
हाँ, अब ये देखिए, ये यहां पर एक चीज जो है वो मैं बताना चाह रहा था कि जो कैंडल्स हैं उनको आपने किस तरह से देखना है। इस बार जो मार्केट के अंदर ये डिक्लाइन आया, अब ये चूंकि ट्रेंड, ये इसको रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, तो हम भी इसकी अब कैलकुलेशन छोड़ देंगे। अब हम नया ट्रेंड बनाएंगे मार्केट के साथ। अब ये देखिए, मैं जो जो चीज आपको दिखाना चाह रहा हूं आज, वो ये है सर जी कि आप कैंडल्स के ऊपर गौर कीजिए। जिस दिन से मार्केट के अंदर ये डाउनफॉल शुरू हुआ है 47,000 से, और ये मुसलसल चलता ही चला आ रहा है, आप एक एक कैंडल के ऊपर गौर फरमाइए और फिर आपको यहां से पता चलेगा कि मार्केट के अंदर ना सिर्फ के पैनिक सेलिंग हो रही है, बल्कि कोई जो है वो टका के बाइंग भी फरमा रहा है। क्योंकि अगर बाइंग ना होती हो तो फिर इस तरह की कैंडल्स नहीं बननी चाहिए, हर कैंडल की नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट हो रही हैं, और कुछ लोग जो है वो खरीद रहे हैं, कुछ लोग पैनिक हो रहे हैं। आपने जो है वो अब ये करना है, और मैं फिर दस बदस्ता गुजारिश करूंगा कि फेसबुक की पोस्ट पर नवाज जाइएगा, और हम भी अगर यहाँ पर कोई शेयर रिकमेंड करें तो आपने उसको भी, बल्कि रिकमेंड तो हम करते नहीं है, बिल्कुल आपने उसके ऊपर नहीं जाना। शेयर आपने वो खरीदना है जो आपके हालात के मुताबिक हो, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि शेयर मार्केट में अगर काम करना है तो अपनी कैलकुलेशन एनुअल रखिएगा। अगर आपने एनुअल कैलकुलेशन पे काम नहीं करना तो फिर मेरा ख्याल है कि आप अपने आप को थोड़ा सा पैनिक जो है वो करना शुरू कर लें, फिर आपके लिए बहुत मसला हो जाएगा। क्योंकि एनुअल के ऊपर इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको गेन भी अच्छा मिलेगा, और बैंक से तो बहुत ही अच्छा मिलेगा, नेशनल सेविंग से भी अच्छा मिलेगा, लेकिन उसी सूरत में अगर आप इसको एनुअल लेकर चलेंगे। लेकिन अगर आप उस बच्चे की तरह काम करेंगे कि जो एक पौधा लेकर आता है और जमीन में लगा के और उसको पानी दे के उसके पास बैठ जाता है और हर घड़ी देखता रहता है कि पौधा जो है वो बड़ा नहीं, और फिर आखिरकार वो क्या करता है कि पौधे को उखाड़ के देखता है कि इसको क्या मसला है, और उसकी वजह से वो पौधा जो है वो मर जाता है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो पेशेंस, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पेशेंस है। और पेशेंस के लिए ज्यादातर दोस्त अहबाब जो हैं वो चूंकि बिजनेसेस वगैरह करते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप डे ट्रेड की तरफ मत जाइए, आप एनुअल बेसिस पर इसकी देखिए, पोजिशनल ट्रेड कीजिए, तो इनशाला मामला ठीक हो जाएंगे। आखिर में सिर्फ एक बात ये करना थी कि काफी दोस्त अहबाब जो है वो रास्ता राबता फरमा रहे हैं हमारे साथ काम करने के लिए, तो सर इनहेंस सर्विस जो है ना हमारी, उसमें हम मजीद क्लाइंट्स नहीं ले रहे, तो लिहाजा अगर किसी दोस्त ने हमारी बेसिक सर्विस लेनी हो तो उसमें तो आप रब्ता फरमाइए, लेकिन इनहेंस सर्विस जो है उसमें हम मजीद क्लाइंट्स नहीं ले रहे। मैं काफी मरतबा ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इनहेंस सर्विस में चूंकि हमने वन ऑन वन फोन कॉल्स भी लेनी होती हैं, तो वो फिर हम एक हद से ज्यादा नहीं ले सकते। क्योंकि एक दो लोग और भी हैं मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, लेकिन फोन कॉल्स जो है वो मैं पर्सनली खुद लेता हूँ, और सारी चीज सारे मामला मैं खुद डिस्कस करता हूँ, तो एक बंदा फिर एक हद से ज्यादा कॉल्स नहीं ले सकता। तो उसके लिए माजरत, बाकी ये है कि खुश रहें, आबाद रहें, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने चीजों को, जाहिर सी बात है आपका पोर्टफोलियो तो माइनस में होगा, ये तो अब ऐसी बात है ही नहीं ना कि जी अगर आपका पोर्टफोलियो तो वो माइनस में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन देखना यह है कि शेयर्स आपके पास कौन से हैं। और आखिरी बात यह है कि जिस वक्त आप हमसे कोई टेक्स्ट वगैरह करके कोई बात पूछते हैं, तो बराए मेहरबानी सवाल पूरा लिखा करें कि जी ये शेयर है, ये मैंने इतने पर खरीद रखा है, इतनी मेरे पास क्वांटिटी है और इतना मेरे पास कैश इन हैंड है। ये चार पांच चीजें अगर आप लिख के भेजेंगे तो हमारे लिए आसानी होती है आपको जवाब देना। बाकी अल्लाह ताला आपको खुश रखे, यकीनन आप खुश भी होंगे। तो कल देखते हैं जी फिर क्या बनता है। अल्लाह हाफिज़।